नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं 24th of August 2021 के बारे में। 24 अगस्त 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीजें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने दिन को और भी ज्यादा अच्छा और बेहतरीन बना सकते हैं, कौन सा अचूक उपाय करना है, कौन सी वैदिक रेमेडी का इस्तेमाल आज आपको करना है और कौन से एंजल नंबर का इस्तेमाल आपको आज करना है जिससे कि आप अपने दिन को बेहतरीन बनाएं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि पितृदोष को कम करने का आज के दिन ऐसा कौन सा उपाय करें जिससे कि आपको बहुत ज्यादा राहत मिले और संबंध मजबूत बने और आपकी कुंडली में परेशानियां खत्म हो जाए अगर पितृदोष है तो। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी चीज आपसे मिस ना हो। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर एनर्जी कैलकुलेशन क्या कहती है, नंबर्स की कैलकुलेशन यहाँ पर क्या कहती है। पहला नंबर जो आपके पास आता है यहाँ पर वो आता है 24, 2+4 नंबर 6 यहाँ पर आता है और नंबर 6 जो है वो यहाँ पर वीनस का नंबर है। कंबाइंड कैलकुलेशन जब हम करते हैं यहाँ पर तो कंबाइंड कैलकुलेशन में आपका देखिए नंबर आता है नंबर वन जो है यहाँ पर, ये सूर्य का नंबर है। दिन कौन सा आपका दिन है? आपका मंगलवार का दिन, ट्यूजडे का दिन। बहुत ही ज्यादा पावरफुल दिन है, बहुत ही ज्यादा अच्छी एनर्जी के साथ ये दिन आपका शुरू होता है और काफी अच्छा फायदा यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे ही आपका दिन शुरू होता है आपको दो चीजों पे पूरा पूरा ध्यान रखना है। आज महत्वाकांक्षाओं में कमी मत रखिए, मतलब कि अपनी एक्सपेक्टेशंस जितनी हाई रख सकते हैं उतनी हाई रखिएगा, आपको फायदा ज्यादा मिलेगा और बहुत अच्छा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। मतलब कि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल हो सकती हैं, अपनी सारी मनोकामनाएं, सारी मन की इच्छाएं आज आप पूरी कर सकते हैं। ऐसे योग यहाँ पर बने हुए हैं, ऐसे चांसेस यहाँ पर बने हुए हैं, तो आज डेफिनेटली यहाँ पर कुछ तो अच्छा होता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा। साथ ही साथ अगर आप कुछ नया काम करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आप उसके लिए प्लान कर सकते हैं, उसमें भी योग काफी ज्यादा अच्छा बनता है और उसके लिए भी काफी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। बिजनेस पर्सन एंड जो जॉब करते हैं उनके लिए भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव दिन यहाँ पर दिखाई देता है। आप सभी को जॉब और करियर में कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ यहाँ पर मिल सकती है, अप्रिसिएशन मिल सकता है, नए प्रोजेक्ट में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, कुछ अच्छा करियर सिलेरिटी यहाँ पर होता हुआ आपको जरूर दिखाई देता है। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण चीज जो कि आप आज आपको ध्यान रखनी है, आज आपको अननेसेसरी किसी से उलझना नहीं है। एक तरफ जहां पर आपका दिन अच्छा है, दूसरी तरफ वहीं आप अपने एनिमीज को भी शांत कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई दुश्मन है, कोई ऐसे लोग हैं जो आपके लिए परेशानियां क्रिएट करते हैं, आज बेझिझक जाइए और उनसे बात करिए और मामले को सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो शायद आपको वहां पर काफी ज्यादा अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और उम्मीद करूंगा कि आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी भी यहाँ पर नहीं होगी। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपको अपनी सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखना है, सेहत में थोड़ी सी परेशानियां हो सकती है, एंजाइटी या फिर आप ये मान लीजिए कि बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग के कारण से एक अग्रेशन आपके अंदर क्रिएट हो सकता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर बनते हैं। तो थोड़ा सा हेडेक आपको हो सकता है और थोड़ा सा एंजाइटी आपको महसूस हो सकती है ओवरथिंकिंग के कारण से, तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि आपको कोई मेजर इश्यूज, मेजर परेशानियां ना हो। अपॉर्चुनिटीज का दिन है आपका और ये आपके पास मौका है अपनी अपॉर्चुनिटीज के को फुलफिल करने का, अपने आप को एक अच्छे लेवल पे स्टेबल करने का। इसके साथ ही दोस्तों यहाँ पर दो चीजें और कहूंगा आपको। पहली चीज, इंपल्सिव मत होइएगा, जल्दबाजी किसी भी चीज की मत करिएगा, जो भी करें प्रॉपर प्लान करके करिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। और दूसरा, अपने से बड़ों के साथ, स्पेशली फादर और ब्रदर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप रखिएगा तो वो भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पर रहेगा। देश और दुनिया की भी अगर यहाँ पर बात करें तो देश और दुनिया में भी माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। जी हाँ, देश और दुनिया में भी कहीं ना कहीं एक नई चीज बाहर आ सकती है, कुछ नया इन्वेंशन यहाँ पर देखा जा सकता है या फिर कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर देश और दुनिया में दिखी जा सकती है। नेगेटिविटी के चांसेस थोड़े से कम रहेंगे, हालांकि आग की घटनाएं या कोई विस्फोट की घटनाएं हो सकती है और खासकर दो चीजों पे, किसी फैक्ट्री में आग लगना जो कि कपड़े की फैक्ट्री हो या फिर किसी इस तरह की मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ कुछ खराबी होना, ऐसे भी चांसेस यहाँ पर बिल्कुल बनते हुए दिखाई देते हैं। तो कोई ऐसी बड़ी न्यूज भी आ सकती है जो कि कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकती है, तो कुछ बहुत ज्यादा नुकसान वाली बात नहीं होगी, बट जो भी होगा वो मैनेजेबल रहेगा और आराम से मैनेज किया जा सकता है। अदरवाइज देश और दुनिया में कोई बहुत बड़े खतरे की अंदेशे आज के दिन में नहीं दिखाई देते, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत या बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना हम सभी को करना होगा। एक और महत्वपूर्ण चीज, भारत में एक नई चिंगारी यहाँ पर सुलगने वाली है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं आज के ही दिन से यहाँ पर हो सकती है।
ये हो सकता है कि किसान आंदोलन का ही नया रूप आपको देखने को मिले, और या फिर आने वाले समय में कोई नई चीज, कोई नया आंदोलन, कोई नया प्रोटेस्ट आपको देखने को मिले, उसकी एक शुरुआत, एक झलक यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकती है। तो इसीलिए आज का दिन बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस भी हो सकता है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव भी हो सकता है, और आपकी ही गलती से वो थोड़ा सा नेगेटिव भी जा सकता है, अदरवाइज दिन नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं है। खासकर आम जनता के लिए तो बहुत ही ज्यादा शानदार दिन है, और आप सभी को इस दिन का पूरा पूरा फायदा ही यहाँ पर उठाना चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं अब राशियों के लिहाज से, क्या कि कौन सी राशि के लिए अच्छा दिन है और कौन सी राशि के लिए यहाँ पर खराब दिन चलता है। राशियों के लिहाज से यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले वृषभ राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि, मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि, आप सभी के लिए ये दिन जो है वो नए अवसर लेके आ रहा है, बहुत अच्छा दिन है और आप सभी को इसका फायदा कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। यहाँ पर नंबर्स की अगर हम बात कर लें तो नंबर्स में नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 8, आप सभी के लिए दिन जो है वो शानदार जाने वाला है, आपको भी नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अल्फाबेट्स में देख लेते हैं कौन कौन से वो लेटर्स हैं जिन्हें यहाँ पर फायदा होता हुआ दिखाई देगा। बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैट, यहाँ पर डी फॉर दिल्ली, इसके अलावा आता है आपका एफ, आई, एच, एन, आर और एस, आप सभी के लिए ये जो अल्फाबेट्स हैं इन सभी के लिए दिन शानदार यहाँ पर जाने वाला है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अचूक उपाय के बारे में, एंजल नंबर्स के बारे में, और पितृदोष के लिए स्पेसिफिकली आज आपको क्या करना है। अगर आपके कुंडली में पितृदोष है तो आज के दिन आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है जिससे कि आपको फायदा मिलेगा, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर अचूक उपाय, जो डेली के अचूक उपाय होते हैं वो आपको कौन सा करना है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो करनी है, आपको अपने बड़ों का आशीर्वाद लेना है, बड़ों के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत करना है, और बड़ों के साथ लड़ाई झगड़ा से बचना है, आर्ग्यूमेंट से बहुत ज्यादा बचना है, और स्पेशली आज के दिन झूठ बिल्कुल भी मत बोलिएगा, ये बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। आज के दिन गलती से भी झूठ मत बोल दीजिएगा, नहीं तो वो झूठ आपको आने वाले समय में बड़ा भारी पड़ेगा और उससे आपका बड़ा नुकसान यहाँ पर हो सकता है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज आपको क्या करना है, वो सभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके फादर हैं और अगर आपके फादर नहीं भी हो इस दुनिया में तो भी कोई बात नहीं, बट आपको क्या करना है, अपने फादर के नाम से व्हाइट चीज को डोनेट करना है। आप अपने फादर के नाम से दूध का दान दे सकते हैं, दूध प्रायोरिटी पे आता है यहाँ पर। अगर दूध अवेलेबल ना हो पाए तो चीनी, चावल या फिर सफेद मिठाई का भी दान कर सकते हैं, ये करिएगा, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप सिंदूर का या कुमकुम का टीका अपने माथे पर जरूर लगाइएगा, उससे भी आपको अच्छा रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा और आज के दिन बहुत अच्छी एनर्जी आपके पास रहेगी। इसके अलावा अगर आप किसी काम से बाहर जाते हैं तो प्लीज ब्लैक कलर को और ब्लू कलर को पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ब्लैक एंड ब्लू, बहुत ज्यादा डार्क ब्लू जो होता है वो नहीं पहनना है आपको, और ब्लैक कलर बिल्कुल अवॉइड करना है आज के दिन, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप कोई भी नया काम करते हैं तो कोशिश करिएगा कि कुछ मीठा खा के अपने काम की शुरुआत करें, दही चीनी हो जाए या गुड़ हो जाए तो बेस्ट है यहाँ पर, अगर ये करके अपने काम को शुरू करते हैं तो वहां पर आपको काफी ज्यादा अच्छा फायदा देखने को मिलेगा। गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी है ताकि आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। नंबर्स में एंजल नंबर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो एंजल नंबर में जो आपको नंबर इस्तेमाल करना है वो है 5507, बहुत ही इफेक्टिव नंबर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, और ये जो नंबर रहेगा ये थोड़ा सा स्लो डाउन करेगा आपको, थोड़ा सा आपको शांत रखने में मदद करेगा, तो इसलिए आज का जो दिन है वो इंपल्सिव या अग्रेसिव नहीं है, इस दिन को आपको शांत बनाना है, ठहरे पानी के जैसे बनाना है, जस्ट गो विद द फ्लो, जो कर रहे हैं बस वही करते रहें, किसी और में अपने आप को उलझाने की कोशिश ना करें, इस बात का विशेष ध्यान यहाँ पर रखिएगा तो आपको फायदा ज्यादा देखने को मिलेगा। तो ये नंबर आपको रिकॉल करना है और इस नंबर को किसी भी मुसीबत की घड़ी में आज के दिन में आपको 2 से 3 बार मन ही मन दोहराना है तो आपको फायदा मिलेगा, और इस नंबर के साथ साथ आप अपने मन में सिर्फ एक ही भावनाएं रखिएगा कि आज का दिन मेरा कैसे भी करके आराम से निकल जाए और कोई ट्रबल ना आए, कोई मुसीबत ना आए, कोई परेशानी ना आए, बस इतनी सी भावना रखनी है और इस नंबर का उच्चारण करना है, आपको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अब आइए बात करते हैं पितृदोष के लिए स्पेशली कौन सा उपाय करना है। ये उपाय सारे ही लोग कर सकते हैं और खासकर वो सभी लोग जिनकी कुंडली में पितृदोष है उनके लिए तो ये उपाय काफी ज्यादा जरूरी है।
तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको दो चीजें यहाँ पर करनी है। पहली चीज आपको करनी है, अगर घर के आसपास हनुमान मंदिर है, अगर कहीं कोई भी हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, चमेली के तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में लगा दे। अगर चमेली का तेल उपलब्ध ना हो, अवेलेबल ना हो, देन ओनली यू कैन गो विद द मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल का दिया आप लगाइएगा। अदरवाइज पहली प्रायोरिटी आप चमेली के तेल के दिए को दीजिएगा, और एक दिया आप अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ लगा दीजिएगा। ये काम करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करना है, और पीले कलर का प्रसाद बूंदी के लड्डू हो जाए, या फिर आपका बूंदी हो जाए, या फिर बेसन के लड्डू हो जाए, किसी भी तरह का प्रसाद अगर आप भगवान को चढ़ा पाए तो वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और शाम के समय में, संध्या के बाद, मतलब कि 5, 5:30, 6 बजे के बाद आप क्या करेंगे, अपने घर के आसपास अगर कोई डॉग्स हो और अगर आपने कुछ खिला पाए तो मीठी रोटी बना के जरूर खिलाइएगा। मीठी रोटी डॉग्स को खिलाना, स्ट्रीट डॉग्स को स्पेशली, आपके लिए आज काफी ज्यादा फायदा लेके आएगा। तो ये पितृदोष के उपाय जो कि आज के दिन आपको करने हैं, जिससे कि आपको फायदा मिले, आपके घर में जो दोष लग रहे हैं, आपके कुंडली में जो दोष लग रहे हैं और आपके काम में जो रुकावट आ रही है वो नहीं आएगी, और उससे आपका काम कहीं ना कहीं थोड़ा सा आसानी से बनता हुआ जाएगा। तो आज मैंने जितने भी उपाय बताए हैं, ये सारे उपाय अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा, और आपके रुके हुए काम बनने लगेंगे, चीजें अच्छी होने लगेंगी, अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी, और आपका समय अच्छा होता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत, कोई परेशानी आज के दिन में देखने को नहीं मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।